आइए बात करते हैं थ्योरम 6.4 की। 6.3 पिछले टर्म पर कर लिया गया था, आज हम लोग 6.4 के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, दो ट्रायंगल अगर ले लिए जाए, इसमें इसमें गिवन क्या है? पहली बात तो दो ट्रायंगल दिए गए हैं। पहली बात यह है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं। और दूसरी बात क्या दिया गया है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या सेम है? ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी ए बाय आर पी, मतलब दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ठीक है, तो हमें रिक्वायर टू प्रूव क्या करना है? रिक्वायर टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी के सभी एंगल्स ट्रायंगल पी क्यू आर के सभी एंगल्स के बराबर होगा, और जैसे ही बराबर होगा दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स का रेशियो पहले ही से दिया गया सेम है। और अगर हम प्रूव कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समान हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से जो है रिक्वायर्ड टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में यहां पर ए बी के बराबर है ना, ए बी के बराबर पी डी ले लीजिए, पी डी है ना, और ए सी के बराबर है ना, ए सी के बराबर यहां पर डी ईपीई ले लीजिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? पीडी इक्वल टू ए बी एंड पीई इक्वल टू ए सी आर कट ऑन द आर कट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ज्वाइंड डी टू ई, डी को ई से ज्वाइन किया गया। अब आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू पी डी है और ए सी इज इक्वल टू पी डी है। ठीक है, ओके। तो गिवन क्या है? एज गिवन में देखिए ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर एंड सी ए बाय आर पी, एंड क्या ए बी इज इक्वल टू पी डी और ए सी इज इक्वल टू पी डी। ठीक है, अगर ये बराबर है तो यहां पर ए बी की जगह पी डी रख दीजिए, तो यह होगा पी डी बाई पी क्यू
is equal to BC by QR, BC by CA by RP, CA की जगह क्या कर दीजिए, CA की जगह PE कर दीजिए, divided by RP। तो ये हम लोग इस बीच वाले स्टेप को हमने छोड़ दिया जानबूझ कर। तो आप देखिए क्या होगा, PD by PQ is equal to PE by PR, ओके। तो इस ट्रायंगल में, और अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो क्या हो गया कि यह साइड नहीं, सो भाई थ्योरम नहीं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या ऐसा करो कि इसको उलट करके लिख लो, पी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू आर पी डिवाइडेड बाई पीई, और दोनों साइड वन बराबर वन माइनस कर दो, तो यहां पर क्या होगा, पी क्यू बाई पी डी माइनस वन इज इक्वल टू आर पी बाई पीई माइनस वन, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा पी क्यू माइनस पी डी डिवाइडेड बाई पी डी, एंड दिस इज आर पी माइनस पी ई डिवाइडेड बाई पी डी, ठीक है। पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी इक्वल क्या होगा, डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू बाई पी डी हो जाएगा, एंड दिस इज आर पी माइनस पीई विल बी इक्वल टू आर ई डिवाइडेड बाई पीई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, डी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू पीई बाई ई आर हो गया। सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी इज पैरेलल टू क्यू आर, डी पैरेलल टू किसके हो गया, क्यू आर के हो गया। तो अगर यह पैरेलल इसके और यह ट्रांसवर्सल है तो यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा और यह एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देयर फोर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी ई एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी ई डी हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल्स बराबर हो गए, तो जब ये एंगल्स बराबर हो गए तो अब आइए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड तो जैसे ही एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल डी हुआ और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई हुआ, यह देखिए यह वाला एंगल जो है छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो देयरफोर बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी हैव, पहले हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल्स बराबर होंगे तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, ये प्रूव किया जा चुका है। और यहां पर क्या प्रूव कर रहा है कि अगर साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो एंगल्स भी बराबर होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहां पर एंगल या एंगल बराबर इसके, या एंगल बराबर इसके, और यह दोनों में कॉमन है छोटे वाले और बड़े वाले में, तो दोनों सिमिलर है, हा? ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे फायदा क्या हो जाएगा? फायदा हमको ये हो जाएगा कि पी डी वाई पी क्यू इज इक्वल पी ई वाई पी आर हो जाएगा, ठीक है, पी आर हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बाई क्यू आर हो जाएगा। क्यों? यह ट्रायंगल अगर सिमिलर हो चुका है इस ट्रायंगल की, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो यह बटाइया बरबरिया बटाइया बरबरिया बटाइया हो जाएगा, वैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब पी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। पी डी जो है वह आप देखिए पी डी जो है ए बी के बराबर है और पी ई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। और हमको यह भी मालूम है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि दिस बाय दिस होल इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल, ठीक है, इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों के मदद से हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल पी डी बाय पी क्यू है इज इक्वल पी ई बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बी सी बाई क्यू आर कैसे, डी ई बाई क्यू आर हमको तो पहले ही से मालूम कि यह बटा यह बराबर यह बटा यह बराबर यह बटा यह दिया हुआ साइड का रिश्तो सेम है। और हम देख रहे हैं कि यह जो है इसके बराबर है और यह लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो यह बटा यह बराबर यह बटा यह बराबर यह बटा यह है, ठीक है, ओके। लेकिन यह बराबर क्या है, इसके है, और यह बराबर किसके है, इसके है। तो हम कह सकते हैं दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल इज इक्वल टू, हमको मालूम ही है कि अगर यह बटा यह बराबर यह बटा यह बराबर यह बटा यह है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पर लिख दिया बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, ओके। तो अगर इनसे तुलना अगर किया जाए तो सारी चीजें देखिए, पी डी पी डी से मैच कर जा रहा है, पी क्यू पी क्यू से मैच कर जा रहा है, पी ई पी ई से मैच कर जा रहा है, पी आर पी आर से मैच कर जा रहा है, क्यू आर से मैच कर जा रहा है, और सब बराबर है। तो गारंटी है बी सी किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। Therefore, BC is equal to DE हो जाएगा, ठीक है। तो BC बराबर DE हो गया, है ना। तो अब अगर देखें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE में, तो यह बराबर इसके है और यह बराबर इसके है और यह बराबर इसके है कि नहीं, ठीक है। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल, या ट्रायंगल और या ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई सीबीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल आर के, यानी बी बराबर एंगल डी है और डी बराबर एंगल क्यू है, तो क्यू बराबर क्या होगा, एंगल बी हो जाएगा। उसी तरह से सी बराबर एंगल ई है और ई बराबर एंगल आर है और एंगल आर बराबर सी है, तो गारंटी है, हम सॉरी, एंगल आर बराबर एंगल ई है और एंगल ई बराबर एंगल सी है, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हुआ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हुआ और एंगल ए बराबर एंगल पी हुआ। देखिए यह ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट, इट इज नाउ क्लियर दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो आल्सो आल्सो क्लियरली क्लियरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द एंगल्स एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर द सेम आर द सेम, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों भैया निकले रहे, साइड्स का रेशियो तो पहले से दिया हुआ सेम है और हमने एंगल्स भी सेम दिखा दिया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। सो दैट वाज थ्योरम 6.4। इसको आप लोग एनसीईआरटी की किताब से भी देख करके थोड़ा समझ सकते हैं, पेज नंबर 133 पर है। अब आइए दूसरी क्राइटेरिया के लिए, थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5 क्या कहता है, इसमें कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि ए बी सी क्या एक ट्राइंगल है, डी ई एफ क्या है दूसरा ट्राइंगल है। इसमें मान लीजिए कि यह एंगल बराबर इसके दिया गया है, ठीक है, तो गिवन में दिया गया है, गिवन में दिया गया है एंगल ए इज इन ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। पहली बात दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और दूसरी बात दिया गया है कि इस एंगल को कंटेन करने वाले जो साइड्स हैं और वहां पर जो उस एंगल को कंटेन करने वाला साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, सेम दिया गया है, आई मीन दे आर प्रोपोर्शनल, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दिया गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है, प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इसके लिए पुनः उसी तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भैया, ए बी के बराबर यहां पर डी पी ले लेंगे और ए सी के बराबर यहां पर डी क्यू ले लेंगे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू आर कट कट
ऑन ट्रायंगल ए डी ई एफ, ठीक है, इस ट्रायंगल को यह बराबर इसके और यह बराबर इसके कट कर लिया गया और ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइंड पी टू क्यू, पी टू क्यू है, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया गया। तो जब ज्वाइन कर दिया गया तो आप देखिए प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी पी क्यू है, ए बी सी और डी पी क्यू में भैया ए बी बराबर डी पी कहां से आया, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और AC is equal to DQ, ये कहां से आया, सॉरी एक मिनट पहले एंगल ले लिया जाए, एंगल A is equal to एंगल D, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, और AC is equal to DF, ये कहां से, बाई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से आया, ठीक है, ओके। तो तीन बातें हो गई क्या, पहली बात हुई साइड बराबर साइड हुआ, यहाँ एंगल इज इक्वल टू एंगल हुआ और फिर साइड इज इक्वल टू साइड हुआ, तो देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरियन वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू है, ए बी सी जो है ट्रायंगल डी पी क्यू के क्या है, कांग्रुएंट है, तो अगर वो दोनों ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट है तो ए बी सी अगर डी पी क्यू के अगर कांग्रुएंट अगर है तो इससे फायदा क्या होगा, फायदे ये होगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, बी बराबर पी हो जाएगा और क्यू बराबर सी हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल सी हो जाएगा, या पहले एंगल सी लिख लीजिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। अब देखिए यह दिया गया है कि ए बी बाई क्या दिया गया, गिवन दैट ए बी बाई डी ई है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है, ये दिया गया है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ दिया हुआ है, लेकिन ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डीपी के हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट किसके हो गया है, ए डी पी क्यू के कांग्रुएंट हो गया है, तो ए बी की जगह हम क्या लिख दें, डी पी लिख दिया जाए हा? और डी ई जस्ट का तासराने दिया जाए, डी ई मतलब डीपी बाई डी ई हो गया, देखिए ए बी की जगह हमने क्या कर दिया, डीपी कर दिया, उसी तरह ए सी की जगह हम क्या कर देंगे, डी क्यू कर देंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ कर देंगे, ठीक है ना, मतलब क्या मिल गया, दिस बाई दिस होल, सो अगर ऐसा होगा सो बाई कन्वर्स ऑफ थर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देखिए अगर ये मान लीजिए इसको रिलेशन नंबर वन नाम दे दिया जाए, इसको रिलेशन नंबर टू नाम दे दिया जाए, तो रिलेशन नंबर वन कह रहा है कि बी बराबर पी
सी बराबर क्यू एंगल है ना। और रिलेशन नंबर टू क्या कर रहा है, पी इज इक्वल टू ई, क्यू एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ। सो फ्रॉम वन एंड टू, सो फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू एंड टू है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हुआ और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल एफ हो गया। तो आप ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल में एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया इस चीज को कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हल्के फुल्के प्रूफ है जिसको अगर आप करें तो अच्छी लॉजिक दिमाग में बैठती है, और मैं चाहूंगा कि आप किताब देख करके इसको करें। इस एग्जाम्पल नंबर फोर में दिया गया है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल POQ, POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ट्रायंगल SOR, SOR ये दोनों सिमिलर। कैसे, देखिए यह पैरेलल इसके है, बहुत ही सरल है, यह पैरेलल इसके है तो, और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले ये अल्फा है तो भी अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से यह पैरेलल इसके और ये ट्रांसवर्सल है तो यह अगर बीटा है तो यह भी बीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये बताइए ये दोनों एंगल थला क्यों बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण बराबर हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स इस ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये बहुत ही सरल है, किताब से इसको देख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको कि ये कैसे सिमिलर इसके हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। इस एग्जाम्पल में आपको एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, हाउ मच, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को देखिए और आपको एंगल पी निकालना है। तो पहले देखिए एबी, एबी कितना है 3.8, इसका डबल क्या है 7.6, आर क्यू इज इक्वल टू 3.8 बाय 7.6 इज इक्वल 1/2 हुआ। उसी तरह से देखिए एसी, एसी बाई आरपी, आरपी इज इक्वल कितना है 3√3 डिवाइडेड बाई 6√3 इज इक्वल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू, बी सी इक्वल 6 है और पी क्यू इक्वल 12 है, इज इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर यह भी 1/2, यह भी 1/2, यह भी 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, व्हाट कैन बी सेड, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई आर बी इज इक्वल बी सी बाई पी क्यू हो गया भैया। ठीक है, तो ये दोनों यहां साइड्स आर प्रोपोर्शन, हाँ जरूर है कि यह साइड इसके प्रोपोर्शनल है और यह साइड इसके प्रोपोर्शनल है और यह साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तीनों साइड तीन साइड के करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो क्या है, सेम है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड्स का रेशियो क्या है, सेम, उस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो देखिए 6 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग है 12 सेंटीमीटर के, तो इसके सामने का 80 डिग्री है तो इसके सामने का भी ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एसी 3√3 है और यहां इसका डबल जो है 6√3 है, तो इसके सामने का एंगल क्यू है और एसी सामने का ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये तो पता नहीं चला।
तो भाई दो एंगल अगर पता चल गया है तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार। तो एंगल पी इज इक्वल टू कितना है, आई डोंट नो, क्यू कितना है 60 डिग्री है, एंगल आर कितना है 80 डिग्री है, इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर लीजिए घट जाएगा, 60 भी उधर लीजिए घट जाएगा, तो एंगल पी इज इक्वल कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिस्टमैटिक वेविंग बुक में जो है एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर आपका 135 पर है, उसको देख लीजिए। अब आइए एग्जांपल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां इस फिगर में दिया गया है क्या, ओ ए इंटू ओ बी है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया गया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी दिखाना है। एंगल ए बराबर एंगल सी दिखा देना और एंगल बी बराबर एंगल डी दिखा देना है। ठीक है, तो इसकी मदद से अगर देखा जाए जो दिया गया है, हम सीधे प्रूफ करा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो दिया गया है तो ओ ए बाई है ना, ओ ए बाई ओ डी कर दीजिए, नीचे लाइए ओ डी, और यहां भैया ओ सी बाई ओ बी कर दीजिए, ओ सी बाई ओ बी। कैसे, ओ सी को नीचे ले गए, यहां ओ बी को इधर नीचे लाए, तो यह हो गया ओ ए बाई ओ डी, यहां से ओ डी नीचे आया और यहां ओ सी बाई ओ बी हो गया। तो देखिए ओ ए बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ बी, ये हो गया। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, बराबर होते हैं। तो आल्सो आल्सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हो गया वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बराबर हो गए। तो आप देखिए साइड्स का रेशियो, इस एंगल को कंटेन करने वाले ये दोनों साइड और इस एंगल को कंटेन करने वाले ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो देयरफॉर बाई बाई By angle side angle similarity criteria, similarity criteria, we have triangle AOD is similar to AOD is similar to ट्रायंगल सी ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड व्हाट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ये सिमिलर हो गए, तब हम कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर इसके और ये एंगल बराबर इसके। ठीक, आज यही रोक देते हैं, इसके बाद अगले टर्म पर संडे अगले टर्म पर बात किया जाएगा।